सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के जवाब में भाजपा द्वारा जयपुर में 2 दिवसीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, इसका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, ये तो नहीं कह सकते उसके जवाब में हो रहा है एग्जैक्टली, पहले से प्लान था इनका, लेकिन कह सकते हैं इंसिडेंटली के बीच चूँकि आसपास हो रहे हैं, दोनों 4 दिन के गैप में हो रहे हैं, और ये शिविर उस तरह का नहीं है। इसमें बेसिकली संगठन का शिविर है, संगठन के पदाधिकारियों का, जिसमें पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, उनके दफ्तर के लोग हेडक्वार्टर के, प्लस सारे BJP चीफ राज्यों में जो BJP के अध्यक्ष हैं वो, और प्लस वहाँ के जो संगठन मंत्री हैं और कुछ एक और चुनिंदा लोग हैं वो बैठेंगे। ये सब JP नड्डा की अगुवाई में यहाँ पे मंत्रणा करेंगे और एक सीरियस थिंकिंग यहाँ पे होगा पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे, बूथ लेवल पे मजबूत करने का एजेंडा। मेन एक तो ये कि पार्टी को इनका, देखिए 2 एजेंडा रहते हैं, एक तो एजेंडा इनका 24 घंटे का रहता है कि पूरे 365 दिन संगठन को कैसे मजबूत करना है, ग्रास रूट को कैसे मजबूत करना है, वोट को, बूथ को कैसे मजबूत करना है, एक तो वो पार्ट रहता है। और सेकेंड स्पेशली ये कि चूँकि चुनाव सामने आ रहे हैं तो फोकस रहेगा चुनाव में। और तीसरी बात, जो गुटबाजी है, गुटबाजी का पहला सेमीफाइनल जो है वो नड्डा साहब ही कर देंगे, यहाँ समझा देंगे लोगों को एक तरह से, बाद में अमित शाह तो फाइनल है ही, वो कर लेंगे आके जो है। तो इस तरह से क्या है कि एक अच्छा है उनका, और बैठ के आराम से चिंतन है उनका, कोई भीड़ भड़का नहीं है, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है। दे आर वेलकम टू जयपुर, करिए आप आके। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि क्या भाजपा का जो शिविर है वो कांग्रेस के शिविर से 21 साबित होने वाला है? देखिए, तुलना थोड़ा सा यूँ नहीं हो सकती है कि कांग्रेस का शिविर तो एक अद्भुत था कई मायनों के अंदर, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस, इन टर्म्स ऑफ उसका डेकोर, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ टॉप लीडरशिप, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलेंट मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, अरावली होटल जहाँ पे हुआ, और एक बड़ा शो था इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ एक क्लोज डोर मीटिंग है, हालांकि हो 5 स्टार में भी है, लीला मोहरी कोई बात नहीं, आजकल हो गया, आजकल वो अंतर खत्म हो गया है BJP कांग्रेस का, बैठक कहाँ नहीं करनी, जहाँ कम्फर्ट है एफिशिएंसी है, और मेरा शुरू से मानना है कि जहाँ कम्फर्ट होता है एफिशिएंसी बढ़ती है वहाँ पे, तो लीला में कर रहे हैं वो लोग भी हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कह सकते 21 होगा, लेकिन हाँ उनका मतलब इसका कंपेरिजन नहीं हो सकता, दैट इज अच्छा।